नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार टेंट एसोसिएशन का गठन हो ही गया। तमाम तरीके की दिक्कतें थी। 22 मार्च से बारात घर पूरी तरीके से बंद थे। कोरोना का काल चल रहा है, बामुश्किल बारात घर खोले गए, वह भी सीमित संख्या में। यहाँ पर बारात एसोसिएशन के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, इनकी क्या थी समस्याएं और उसके निराकरण के लिए इनने किस तरीके की पहल की है। हम इस किनारे से चालू करते हैं। बताइए, क्या थी आपकी समस्या? हमारी समस्या ये थी कि बारात घर टोटली बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। जितने काम बुक थे सारे कैंसिल हो गए। हम लोगों की सारी बहुत सारी परेशानियाँ ये हुई कि लोगों घर खर्च, जो हमारे नीचे लोग काम करते थे उनको भी घर खर्च के लिए दिक्कत हुई, हम लोगों को भी दिक्कत हुई। निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या थी, घर खर्च की समस्या थी। कोरोना काल था, तमाम तरीके के व्यवसाय बंद हो गए थे, बारात घर भी उससे अछूता नहीं था। लॉकडाउन की वजह से बारात घर एसोसिएशन की तरफ से सब बारात घर बंद हो गए थे, इसीलिए आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। बताइए। मैं राज गार्डन जीवा से। लॉकडाउन की वजह से सारे समस्याएँ आई गई और मेन समस्या सबसे ज़्यादा ये आई कि जितने भी काम थे सब हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की चकरा गई। हम लोगों के साथ जितने थे, डीजे वाले हैं, आतिशबाजी वाले हैं और फूलमाला वाले हैं, वेटर हैं, इन सब की परिस्थितियों को हम लोगों को झेलना पड़ा। जिसका एडवांस था कुछ का वापस किया गया, कुछ का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और परेशानियाँ केवल बारात घर वालों को हुई। परेशानियां केवल बारात घर वालों को हुई। निश्चित रूप से मार्च अप्रैल से बारात का सीज़न था। सारी समस्याएं इसलिए आई कि जब बारात घर ही बंद हो गए, शादियों विवाह ही बंद हो गए, उस दौरान बारात घर बंद हो जाना, बारात घर बंद होने की वजह से बैंड बाजा, फूल माला, तमाम तरीके के व्यवसाय बंद हो गए थे। बताइए किस तरीके की दिक्कतें। एक बारात घर से जुड़े हुए कम से कम 70 परिवार होते हैं। 70 परिवार में चाहे आप वेटर काउंट कर लो, चाहे हलवाई काउंट कर लो, माली सजावट वाले हो गए, एक माला गुथने वाला सामान्य व्यक्ति हो गया, हर व्यक्तियों के स्थितियों परिस्थितियों को हम लोगों को झेलना पड़ा। कुछ कस्टमर हैं जिनके रुपए और पैसे भी हम लोगों को वापस करने पड़े और सीधी बात है परिस्थितियों ने वापस कराए, कस्टमर की वजह से तो कैंसिल हुआ नहीं, परिस्थितियों ने वापस कराया। परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी। फिर भी जो इस समय विकट परिस्थिति जो आई है वो शासन की तरफ से हमें जो मार खानी पड़ रही है सबसे बड़ी हमारे पास परेशानी वही है। शासन की वजह से जो उज्जैन की जो उपाधियाँ बनाई गई हैं वो उपाधियाँ रीवा पे के अनुसार नहीं है, वो महानगरों के तर्ज पे बनी हुई हैं। तो हम शासन को के साथ में मिलकर पूरी तरीके काम करने को तैयार हैं, लेकिन शासन भी हमारा पक्ष सुन के काम करे ना। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हमारी बात शासन तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से आपकी बात जो भी आज आप कहेंगे वो हम अपने चैनल के माध्यम से शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि शासन से इस बारे में भी हम निश्चित रूप से बात करें। वो जो भी समस्याएं थी आपकी निश्चित रूप से हम उसके लिए भी बात करेंगे। बताइए। वैसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं पर अब प्रमुख समस्या बताइए आपको क्या लगता है? इसका गठन हो गया है, अब समस्या का निराकरण होगा। आगे निराकरण होगा। मैं समस्याओं के बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे सभी आदरणीयों ने समस्याएं सारी कह दी हैं और मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करूंगा कि आज की हमारी अटेंडेंस। नहीं, नहीं, ये डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं। आप मतलब प्रमुख जो आपकी आज क्यों लेकर समस्या नहीं, आज देखिए आज हम लोगों ने जो यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेक्टेड क्राउड मिला है ये अनएक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने सोचा नहीं था इतने अनएक्सपेक्टेड क्राउड आज आपको काफी मतलब आज के आयोजन से और हमारे एसोसिएशन के साथ इतने सारे लोगों का सपोर्ट है और आप सभी पत्रकारों का बहुत हर्ष की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए तो हम लोगों का जो व्यापार है मैरिज हॉल से संबंधित, एक मैरिज हॉल में कम से कम 50-60-70 परिवार उससे जुड़ते हैं और यहाँ प्रशासन द्वारा इतनी कड़ाई माने नियमों के विरुद्ध भी चल के उन्होंने हम लोगों को परेशान किया। सीज़न में एक तो सीज़न नहीं चला, दूसरा ये परेशानी आ गई है ना। तो अब हमको इतनी परेशानी हुई इन 5-6-7 महीनों में कि हम लोगों ने बहुत लेबरों का भी पेमेंट दिया, किराए भी दिया, सारी चीज़ें दी। अब इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोजगार उठाने का जो विचार है वो तो एकदम से ध्वस्त कर दिया है। बताइए। कोरोना के साथ साथ हम लोगों को दो कोरोना का सामना करना पड़ा। कांग्रेस शासन काल में जो प्रशासन था वो हम लोगों को एकदम से चारागाह बना लिया था, चारागाह बना के हम लोगों को बारात घर बंद करा दिया गया था। अब बंद कराने के बाद उस स्थिति में विजय भैया ने इसकी क्या स्थिति है ये बताइए। आज प्रशासन आज की जो स्थिति है तो उसमें
यहाँ के विधायक जी ने हम लोगों को बड़ी सुविधा दिलवाई है। विधायक जी ने सुविधा दी है काफ़ी, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला समय आपका अच्छा होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे घट रहा। हमारे साथ इस एसोसिएशन के जो आज ही गठित हुई है अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से टैक्स को लेकर एक बड़ी बात निकल कर आई है कि टैक्स को लेकर कुछ विसंगतियां हैं नगर निगम की, वो बताइए टैक्स को लेकर किस तरीके की विसंगतियां हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो नगर निगम द्वारा जो इस समय बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है सभी बारात घरों के ऊपर कि आप लोग टैक्स जमा करें, जबकि आपको ये मालूम होगा कि जो वर्ष काउंट होता है, जो टैक्सेशन वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में माना जाता है। सामान्यतः कहीं भी आप जाइए सब जगह यही माना जाता है, पर नगर निगम ने इस बार जो पिछले बार से सूचना भेजी वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से सेशन चालू होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं अक्टूबर से सेशन चालू होता है, और वो एक बड़ा सवाल है और बड़ी समस्या। आप ये बताइए अक्टूबर से, हालांकि मेरी भी जानकारी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है 31 मार्च ही एंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आधे में किस तरीके से आप लोगों ने इसके बारे में किसी तरीके से बातचीत नहीं की? मैं इसके बारे में जब हम लोग किसी से भी बात करते हैं, जो हमारे पास टैक्स लेने आते हैं लोग, उनसे जब हम बात करते हैं तो बोले कि वो ऊपर से आदेश हो चुका है, जबकि आपको एक जानकारी होगी कि अभी जो पार्षदों की समिति है वो भी भंग है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई निर्णय हो, पर हम उनके साथ हैं, हम टैक्स जमा करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं जमा करेंगे, पर ये कोरोना काल के कारण चूंकि 8-9 महीने से व्यवसाय पूरी तरह बंद है, उसके बाद क्या है, किसी के पास पैसे नहीं है, सबकी अपनी आवश्यकताएँ बहुत हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स जमा करेंगे। तो जो 31 मार्च का टारगेट होता है उसको यथावत रखा जाए और 31 मार्च के पहले बारात घर के सभी लोग करीब करीब टैक्स जमा करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अक्टूबर में अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी होगी, ये कोई ऐसा नियम नहीं है। हम लोग चूंकि अभी तक हमारा लोगों का यूनियन गठित नहीं था, इसलिए हम अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे, पर अब हमारा यूनियन गठित हो गया है और अभी हमने सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमें समय दिया और यहाँ पर आए और हमने अपनी समस्याएँ रखी। हमें बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, जैसे अभी आपको ध्यान होगा कि आज से 1 हफ्ते पहले एक प्रयाग गार्डन है बदराव में, उसके जो संचालक थे उनने आत्महत्या कर लिया। तो शायद आपको जानकारी भी होगी कि न्यूज़ में लिखा था कि बैंक द्वारा जो ऋण लिया था उनने वो पटा नहीं पाए, चूँकि कोरोना काल में आय बिल्कुल जीरो थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, तो उनकी जो डेथ हो गई तो वो एक अपने आप में बड़ा भारी मिसाल था और हम लोगों को बड़ा उससे आघात हुआ, हम लोग बड़ा दुखी हुए। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे बारात घर के संचालक बहुत हैं, सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार था, अब यूनियन बना लिए, धीरे धीरे हम उन अपनी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। इनकी सबसे बड़ी समस्या टैक्स को लेकर निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है, इसके बारे में अब यूनियन बन गई है, अब देखा जाएगा। पंजीयन के बारे में क्या? पंजीयन के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं मैं कि आज 2016 में पहली बार आवेदन पड़ा था, नगर निगम ने एक नोटिस भेजी थी कि आप लोगों का पंजीयन करना है। 2016 में हमारे सभी बारात घर जितने हैं करीब करीब, उनने सब लोगों ने अपने आवेदन के साथ दस्तावेज लगाकर जमा किए। 15 दिन 1 महीने के बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरह 2017 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2019 में भी वही हुआ और हर बार हम कागज़ जमा करते रहे, आवेदन करते रहे, पर कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारियों ने क्या किया हमें नहीं मालूम। अच्छा, देखिए मैं टेंट हाउस से तो बहुत नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी है, जैसे मंगल भवन या सामुदायिक भवन या जनवासा या बारात घर, ये 4 कैटेगरियाँ आमतौर पर होती हैं और चारों जगह, जो मेरी जानकारी के अनुसार चारों जगह शादियाँ हो सकती हैं। तो क्या इस तरीके की आप लोग की कोई मांग है कि क्राइटेरिया वाइज अगर डिवाइड कर दिया जाए तो सबका भला हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने जो प्रस्ताव रखे हैं, जो हमारी मांग है उसमें प्रथम मांग है ये हमारी कि जो उज्जैन की उपविधि है उसको रीवा के नगर निगम कहते हैं कि वो उपविधियाँ मानी जाएंगी, चूँकि सब जगह उपविधियाँ नहीं बनी। और जो उज्जैन की उपविधि है उसमें एक कॉलम है जिसमें ये लिखा गया है कि सबसे पहले बारात घर, फिर मंगल भवन, फिर सामुदायिक भवन, फिर जन्मासा। अच्छा, तीनों के कैडर अलग अलग हैं और तीनों की जो मापदंड हैं वो अलग अलग हैं, मानक जो तीनों के लिए हैं वो अलग अलग डिसाइड है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कैडर सेट करके और बारात घरों का पंजीयन नगर निगम जी करना चाहेगा तो सबके बारात घर के हो जाएंगे, क्योंकि सबकी स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ उनके उसमें ना लागू हो जाएगा। कोरोना काल चल रहा था, सबका व्यवसाय पूरी तरीके से ठप था, अगर ये शासन की जो 4 गाइडलाइन है, शासन इन गाइडलाइन पर ध्यान दे तो सारे बारात घरों का भला हो सकता। अगर बारात घरों का भला हुआ तो इनसे जुड़े लगभग 15,000 लोग हैं, 15,000 लोगों का परिवार के आराम से दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। अब देखना है इनकी मांग को लेकर शासन किस तरीके से निर्णय लेता, हम उस बात को भी आगे पहुँचें। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आज से करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले जो हमारे शहर के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उनसे मिला था,
तो उन्होंने हमारी इतनी मदद की कि उन्होंने तुरंत कमिश्नर साहब से बात किया और हम लोगों का सामंजस्य। चलिए ठीक है, बातचीत की, विधायक हैं उनको तो बातचीत करनी चाहिए थी और वो समस्या सुलझाते भी हैं। पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या सुलझेगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।